नमस्कार दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है इसके बेसिक कंसेप्ट की सीरीज हमने शुरू की है तो पहले वीडियो में हमने ये जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन किए थे अभी आज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जैसे कि सपोज़ आई इंटू आई आई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आयोटा स्क्वायर जिसे हम स्क् रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये आंसर माइनस वन आ जाएगा आयोटा क्यूब अगर हम लेते हैं तो ये होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयटा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आयोटा ये मतलब माइनस आयोटा हो जाएगा आयोटा रिज टू पावर फोर अगर है तो इसको हम आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं तो ये माइनस वन इंटू माइनस वन तो ये आंसर हो जाएगा प्लस वन तो अगर हम आयोटा रेज टू पावर फोर की वैल्यू लेते हैं तो ये प्लस वन वैल्यू आएगी तो इस तरीके से अगर कोई भी पावर अगर आयोटा की है कि सपोज़ आयोटा रेज टू पावर फिफ्टी टू या फिफ्टी थ्री फाइन करना है तो इसे हमें इस तरीके से लेना है कि फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री में फोर के कितने ग्रुप्स बनते हैं वो देखना है तो उन्जा फोर वन ज़ा फोर सब्ट्रैक्शन करो तो यहाँ पे फोर टू ज़ा फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व तो यहाँ पे रिमाइंडर वन आएगा तो इसका मतलब आयोटा रिस्ट टू पावर फिफ्टी थ्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं आयोटा रिस्ट टू पावर फोर रिस्ट टू पावर थर्टीन तो ये फिफ्टी टू हो जाएगा और यहाँ पर एक आयोटा रिमेनिंग रहेगा तो ये वैल्यू वन हो जाएगी वन रिज टू पावर कोई भी है तो वैल्यू वन तो इसका आंसर आयोटा हो जाएगा और इसी तरीके से आयोटा रिज टू पावर सपोज़ वन हंड्रेड थ्री अगर आता है तो आइटा रिज टू पावर वन हंड्रेड थ्री से जो भी क्लोज़ नंबर है जो फोर्स डिविजिबल है वो है हंड्रेड तो इसको हम आईटा रिस्टू पावर फोर ब्रैकेट रिस्टू पावर ट्वेंटी फाइव इंटू आई क्यूब ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ट्वेंटी फाइव फोर द हंड्रेड और ये पावर प्लस थ्री हो जाएगी तो ये आंसर आई रिस्ट पावर वन हंड्रेड थ्री की ही वैल्यू आएगी यहाँ पे तो ये वैल्यू वन हो जाएगी वन इन टू क्यूब तो आई क्यूब को हम माइनस लिख सकते हैं तो इसका जो आंसर फाइनल होगा वो माइनस होगा तो इस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आयोटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पावर के साथ इस तरीके से सॉल्व करना होता है अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कि सपोज जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और जेड टू इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d तो यहाँ पे अगर हमें जेड वन इंटू जेड टू इनका मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा d तो अगर ये मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे पहले ए से सेकेंड ब्रैकेट और माइनस आयोटा बी से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा तो ए इंटू सी यहाँ पर हो जाएगा ए सी प्लस ए इंटू डी ए डी आयोटा प्लस आई बी इंटू सी तो यहाँ पे बी सी आयोटा और प्लस इंटू यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर और बी इंटू डी तो ये हो जाएगा बी डी तो यहाँ पे होगा ए सी और आयोटा स्क्वेयर ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस बी इंटू डी माइनस बी डी और यहाँ पे प्लस इन दोनों में हमें ए डी प्लस बी सी आयोटा कॉमन लेना है तो ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा तो ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब सेम अगर हमें डिवीजन करना है तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन। और सेम अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है तो इस तरीके से सपोज जेड वन अपॉन जेड टू ये डिवीजन करना है तो ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी तो जब भी हमें डिवीजन करना होता है तब हमें जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है जैसे कि अब देखो सी प्लस आयोटा डी तो यहाँ पे सी माइनस आयोटा डी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा a प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इंटू सी यहाँ पर ए सी होगा माइनस ए इंटू डी आयोटा और प्लस बी इंटू सी आयोटा और प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस होगा फिर आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा बी इंटू डी का मतलब ये होगा बी डी और डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है यहाँ पर तो सी स्क्वेयर माइनस आयोटा डी का स्क्वेयर यहाँ पे आएगा तो आयोटा का स्क्यर होगा माइनस वन तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन और ये आ जाएगा डी स्क्वेयर तो यहाँ पे हमें लेना है इज इक्वल टू ए सी और ये माइनस स्क्वायर हो जा सॉरी हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होगा माइनस इंटू माइनस प्लस तो यहाँ पर हमें लिखना है ए सी प्लस बी डी और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है प्लस आयोटा अगर प्लस आयोटा कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे तो यहाँ पे रहेगा बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अगर हमें ये रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट सेपरेट करना है तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वा और प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आयोटा ये होगा डिवीज़न जेड वन अपॉन जेड टू अभी हम इन दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न परफॉर्म करना है कि सपोज जेड वन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा और जेड टू इज इक्वल टू फाइव माइनस टू आयोटा अगर है तो जेड वन इंटू जेड टू अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे टू प्लस थ्री आयोटा इंटू फाइव माइनस टू आयोटा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से दोनों को मल्टीप्लाई करना है टू फाइव ज टेन माइनस फोर आयोटा और ये प्लस फिफ्टीन आयोटा प्लस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस और थ्री इंटू टू सिक्स आयोटा स्क्वायर अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो यहाँ पे टेन प्लस सिक्स होगा तो ये हो जाएगा सिक्सटीन और फिफ्टीन आयोटा माइनस फोर आयोटा ये हो जाएगा प्लस इलेवन आयोटा तो सिक्सटीन प्लस इलेवन आइटा इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा और सेम इस तरीके से अगर हमें डिविज़न परफॉर्म करना है तो जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा डिवाइड बाय फाइव माइनस टू आयोटा तो डिनोमिनेटर का जो भी कॉम कॉन्जुगेट है उससे हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव प्लस टू आयोटा और डिवाइड बाय फाइव प्लस टू आयोटा अब टू से अगर हम टू प्लस थ्री आयोटा को फाइव प्लस टू आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये क्या होगा देखिए टू फाइव ज़ा टेन प्लस फोर आयोटा प्लस टू टू ज़ा फोर अब ये थ्री इंटू फाइव ये हो जाएगा फिफ्टीन आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो जाएगा ए स्क्वा माइनस बी स्क्वायर तो फाइव स्क्वेयर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा माइनस वन माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस होना है और टू का स्क्वेयर हो जाएगा फोर तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन होगी तो माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा टेन माइनस सिक्स ये होगी वैल्यू फोर और ये प्लस नाइन्टीन आयोटा डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन तो इसे हम लिख सकते हैं फोर बाय ट्वेंटी नाइन प्लस नाइन्टीन बाय ट्वेंटी नाइन आयोटा तो जेड इज इक्वल टू तो यहाँ पे आ, ऐसे लिख सकते हैं फोर बाय ट्वेंटी नाइन प्लस नाइनटीन बाय ट्वेंटी नाइन आयोटा ये रियल पार्ट और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट तो इस तरीके से आज हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को है तो आगे के जो बेसिक कंसेप्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे